एडवोकेट और लॉयर, ये दो ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें हम अक्सर एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम बिल्कुल नहीं हैं। हालांकि दोनों ही टर्म कानून यानी कि लॉ से संबंधित हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही टर्म्स में काफी डिफरेंसेस हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडवोकेट और लॉयर में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। इससे पहले कि हम एडवोकेट और लॉयर के बीच का डिफरेंस बताएं, जरूरी है कि हम ये जान लें कि आखिर एडवोकेट और लॉयर कौन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवोकेट की। वो लॉ एक्सपर्ट जिनके पास कानून यानी कि लॉ की डिग्री होती है और वे कोर्ट में अपने क्लाइंट की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं, उन्हें एडवोकेट कहा जाता है। एडवोकेट कोर्ट में अपने क्लाइंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बात अगर क्लाइंट की हो तो वो सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। क्लाइंट कोई भी व्यक्ति, कंपनी या फिर बैंक आदि हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में एडवोकेट के रूप में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ ही आपके पास लाइसेंस का होना भी उतना ही जरूरी है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक एडवोकेट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास करनी होती है, जिसके बाद डिग्री धारक को लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिल जाता है। इसके बाद एडवोकेट अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में केस लड़ सकता है। ये बात हुई एडवोकेट की। अब जानते हैं कौन होता है लॉयर। लॉयर वो व्यक्ति होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है। इन्हें हम यूजुअली काउंसिल, सॉलिसिटर और बैरिस्टर के रूप में भी जानते हैं। एक लॉयर का मुख्य कार्य होता है अपने क्लाइंट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सजेशन देना। इसके साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कानूनी मामले में फंसा हुआ है तो एक लॉयर उन्हें कानूनी रूप से सही सजेशन देने का कार्य करते हैं, या फिर किसी व्यक्ति या कंपनी के लिए कानूनी डॉक्यूमेंट्स को भी तैयार करना एक लॉयर का ही कार्य है। ये बात हुई लॉयर की और एडवोकेट की। अब जानते हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। लॉ प्रोफेशन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को लॉयर कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ एडवोकेट एक क्वालिफाइड व्यक्ति है जो कोर्ट में अपने क्लाइंट को कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट करता है। नंबर सेकंड, अगर कोई भी लॉयर कोर्ट ऑफ लॉ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उन्हें ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करना होगा। बार एग्जाम क्लियर करने के बाद ही एडवोकेट अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर थर्ड, लॉयर अपने क्लाइंट को सिर्फ कानूनी सलाह दे सकते हैं, जबकि एडवोकेट अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर फोर, लॉयर के चार्जेस और कंपनसेशन लो होते हैं, जबकि एडवोकेट अपनी सर्विस के लिए क्लाइंट से अधिक चार्ज करते हैं। उम्मीद है लॉयर और एडवोकेट के बीच का डिफरेंस जानकर आपके नॉलेज में इजाफा जरूर हुआ होगा। अगर आप ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।